आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले 6 के पहले हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, प्रिपेयर शरद अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर बनाना है, तो आइए साथ लेंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश के बुक मीडियम के बुक में क्वेश्चन सीरियल नंबर में आंसर एक्सप्लेन हो सकता है, मेरे पास वर्ड होते हैं। न्यू बुक में आप क्वेश्चन नंबर अमाउंट मैच कर ले, उसके आधार पर अपने क्वेश्चन को देखें, सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है। सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन इधर हम देखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे कि असेट्स कौन कौन सी, कमांड बिजनेस विथ कैश रुपीज 25,000। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टिबल है, एक कैश, और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश हम इंडिविजुअल लगाते हैं, फिर अपने पास से लगाते हैं तो कैपिटल होती है। तो असेट्स में हो गया कैश, कैपिटल ऑलरेडी उधर है इसकी राइट साइड में। सेकंड ट्रांजेक्शन था हमारा कि ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र रुपीज 10,000। ब्रॉड गुड्स यानी आपने गुड परचेस किया सुरेंद्र से, और चूंकि नाम दिया हुआ तो हमने क्रेडिट पर परचेस किया है, तो एक अकाउंट तो होता हमारा इसके अंदर स्टॉक, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज होगा। और जिससे हम क्रेडिट में गुड परचेस करते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, कौन होते हैं क्रेडिटर होते हैं, जिससे भी हम क्रेडिट में गुड परचेस करेंगे वो क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं लाइबिलिटीज होते हैं। थर्ड नंबर है सोल्ड गुड्स टू श्याम, हमने श्याम को मान लिया, तो यहां पे ये भी क्रेडिट में सोल्ड किया है क्योंकि मैंने नेम दिया हुआ है। दो अकाउंट इफेक्टिबल है, एक तो गुड्स एंड स्टॉक, और दूसरा हमने क्रेडिट पे गुड सोल्ड करा, तो जिससे हम क्रेडिट पे गुड सोल्ड करते हैं वो कौन होता है डेटर, और डेटर हमारी क्या होती है असेट्स होती है, क्योंकि हमने 100 रुपए लेते हैं। क्रेडिट का राइट इज एक दूसरे पेड करना है, और इधर ऑलरेडी कैपिटल तो हमारा था ही, आखिरी में लिखने कैपिटल, इसलिए उसको आखिर लिख देते हैं। अब हम सारे ट्रांजेक्शन को एक ही लाइन से लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में है वो है कमांड बिजनेस विथ कैश, कमांड बिजनेस यानी कि बिजनेस स्टार्टेड, लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने बिजनेस कैश स्टार्ट किया, दो अकाउंट इफेक्टिबल है कैश और एक कैपिटल, तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया 25,000 कैश के नीचे रखेंगे, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, डेटर में भी कुछ नहीं हुआ, क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी 25,000। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अगर हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया, और जब बिजनेस में कैश आता तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाती है कैपिटल, तो ये कैपिटल हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र। देखो हमने सुरेंद्र से गुड परचेस किया, ब्रॉड गुड्स यानी गुड परचेस करना, यदि हमने सुरेंद्र से गुड परचेस किया तो नेम दिया हुआ तो उसको क्या मानेंगे क्रेडिट, तो ये क्रेडिट में गुड परचेस किया है तो कैश में कुछ नहीं होगा। जब गुड परचेस करेंगे तो स्टॉक क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, कितना स्टॉक इंक्रीज हो गया 10,000, और जिससे हम क्रेडिट में गुड परचेस करते हैं, हमने क्रेडिट में गुड परचेस किया है तो जिससे हमने क्रेडिट में गुड परचेस किया उसको पेड करना, मतलब वो लाइबिलिटीज है, तो क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर होगा 10,000।
कुछ नहीं हुआ। जैसे ये दो ट्रांजेक्शन होंगे हम पहले न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में कैश हो गया 25,000, स्टॉक हो गया 10,000, डेटर अभी भी जीरो है, क्रेडिटर हो गया 10,000 के और कैपिटल हो गया 25,000। जैसे दो इक्वेशन होती है आप टोटल लगाएंगे, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब थर्ड नंबर इक्वेशन लिखेंगे और थर्ड नंबर इक्वेशन हमारा सोल्ड गुड्स टू श्याम, यानी हमने श्याम को माल बेचा है। थर्ड इक्वेशन है हमारी सोल्ड गुड्स टू श्याम। क्या कितना सोल्ड है, हमने 1800 के गुड्स को 1500 रुपीज में सोल्ड किया। कितने में सोल्ड किया हमने 1800 के गुड्स को 15, यहां पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू श्याम 1800 कॉस्ट 1500, यानी हमने 1500 के गुड्स को 1800 में सोल्ड किया है। तो कैश में कुछ नहीं है क्योंकि क्रेडिट था, हमारे पास से स्टॉक कितने का माइनस हुआ 1500 का, कितने में सोल्ड किया 1800 में, और जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं वो कौन होता है डेटर, तो हमारे डेटर इंक्रीज हो गए 1800 से, क्रेडिट में कुछ नहीं हुआ। अब 1500 के गुड्स को हमने 1800 में सोल्ड किया तो 300 का हमें क्या हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट से क्या बच जाएगी कैपिटल। एक बार फिर सुनो, सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को गुड्स सोल्ड किया 1800 में, तो हमारे डेटर कितने इंक्रीज हो गए 1800, गुड्स की कॉस्ट क्या थी 1500, तो स्टॉक हम कितना होगा 1500, तो स्टॉक गया 1500 का, डेटर हमारा होगा 1800 के, तो 300 की क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से क्या बढ़ती है हमारी कैपिटल। ये इक्वेशन जैसी होती है फिर से हम टोटल लगाएंगे तो यहाँ पे हमको न्यू इक्वेशन आ जाएगी, और न्यू इक्वेशन क्या हो गया कैश हो गया 25,000 प्लस स्टॉक का बचा हमारे पास 8,500 का, डेटर 1800, क्रेडिट कार्ड क्या हमारे 10,000 के और कैपिटल हो गया 25,300। केवल तीन इक्वेशन, तीन ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हुए थे, इसलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस से इसको वापस से पूछेंगे फिर से इसको लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब अपन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में, मेरे पास बुक है उसमें 5 नंबर इंग्लिश वन की बुक में, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यहां भी हमको 6 में भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है कि फाइंड आउट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ पूमा पूर्णचंद्र एडसन्स। ये आपको दिया हुआ है पूरा, यहां भी हमको अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए बोला है। फर्स्ट एंट्री है कमांड बिजनेस विद कैश, सेकंड है ड्रॉप गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, थर्ड सोल्ड गुड्स टू राकेश। तो यहां पे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहां पर सीरियल नंबर आएगा, फिर ट्रांजेक्शन है, और फिर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना कि कौन कौन सी असेट्स थी। फर्स्ट एंट्री थी हमारी यहां पर कमांड बिजनेस विद कैश, तो फर्स्ट आपके असेट्स हो गई कैश। सेकंड ड्रॉप गुड्स ऑन क्रेडिट, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट, एक तो असेट्स इंक्रीज हो गया स्टॉक, और जिससे हम गुड ब्रॉड करते परचेस करते वो क्रेडिटर होता है, उससे हमारे लाइबिलिटीज बढ़ गई यहां पर क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड गुड्स टू राकेश, हमने राकेश को गुड सोल्ड किया तो ये भी क्रेडिट में क्योंकि नेम दिया तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब क्रेडिट में अगर सोल्ड करेंगे तो स्टॉक तो इसमें ही सही गुड सोल्ड किया, लेकिन राकेश को सोल्ड किया तो राकेश को ने डेटर, क्योंकि जिसको हम क्रेडिट में गुड सोल्ड करते हैं वो डेटर होता है, और डेटर हमारी क्या होती है असेट्स होती है, और इधर लास्ट में कैपिटल हमारा रहता है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है
started business. अब बिजनेस स्टार्ट किया हमने 20,000 से, तो कैश हो गया 20,000, स्टॉक जीरो, डेटर जीरो, क्रेडिटर जीरो और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब बिजनेस में कैश आएगा, बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से तो बिजनेस में कैश कम से और कैश कम से तो कैपिटल का ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन है ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट, ब्रॉड या परचेज गुड्स एक ही बात है, तो ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में गुड परचेस किया तो कैश में कुछ नहीं होगा, और जब गुड परचेस करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो गया हमारा 5,000 का, और जिससे हम क्रेडिट में गुड परचेस करते हो क्रेडिटर होता है वो लाइबिलिटीज होती है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, बाकी कैपिटल में भी कुछ नहीं होगा। तो पर ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट होती है, ब्रॉड गुड्स गुड्स कम से एंड क्रेडिट में परचेस किया है तो क्रेडिटर इंक्रीज। इन दोनों ट्रांजेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखा, हमारे न्यू इक्वेशन हो गया कैश हो गया 20,000, स्टॉक है 5,000, डेटर है जीरो, क्रेडिटर हो गया 5,000 और कैपिटल हो गया 20,000। जैसे दो एंट्री होती है, दो ट्रांजेक्शन की एंट्री करी, हमने न्यू इक्वेशन लिखा दिया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड गुड्स टू राकेश, ये भी हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, कितने में 1,000 के गुड्स को 1,200 में सोल्ड कर क्रेडिट पे, तो हमारे पास स्टॉक कितने का गया 1,000, सोल्ड कितने में करें 1,200 में तो डेटर इंक्रीज हो गए 1,200 और 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला, हमने 1,000 के गुड्स को 1,200 में सोल्ड किया, 1,200 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल यहाँ पे क्या हो गई इंक्रीज हो गई। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा क्या जाएंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में कैश हो गया आपका 20,000, 4,000 आपका स्टॉक, 1,200 की डेटर्स, क्रेडिटर है 5,000 और कैपिटल हो गया 20,200। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ, हमें ये लिखना था अकाउंटिंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस से इसको रिपीट करा सकते हैं, पूछ सकते हैं।